सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल। सो आज के इस वाले वीडियो के अंदर भाई मैं आपको टॉप 10 क्रेजीएस्ट प्लगइन बताने वाला हूँ भाई अपने एड्रेनोस के सर्वर के अंदर, जिससे कि आपका भाई सर्वर बिल्कुल चार चांद लग जाएंगे उन प्लगइन्स को अगर आप अपने सर्वर में ऐड कर लोगे तो। तो हाँ भाई, आज मैं टॉप 10 आपको ऐसी प्लगइन्स बताने वाला हूँ। तो हाँ भाई, जिसने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है एंड मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए और भी लेकर के आ सकता हूँ। और भाई डिस्कॉर्ड जरूर से ज्वाइन कर लेना, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है भाई आप मेरे से डिस्कॉर्ड पर बात कर सकते हो। भाई मेरी लॉन्ग वीडियोस रहती हैं, वो इसलिए रहती हैं क्योंकि भाई मैं सब कुछ मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, इसलिए थोड़ी मेरी लॉन्ग वीडियोस हो जाती हैं। तो भाई वीडियो को फुल एंड तक जरूर से वॉच करते रहो एंड स्किप मत किया करो, क्योंकि भाई आपको फुल समझ जब ही आएगा जब आप स्किप नहीं करोगे। तो भाई अभी चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ को। तो लेट्स गो गाइस, मैं आ चुका हूँ अपनी एड्रेनोस की साइट पर एंड यहाँ पर भाई मैं बना लेता हूँ एक अपना सर्वर, जो कि भाई मैं बना रहा हूँ जावा एडिशन के अंदर। चिंता मत करो भाई, इसको हम पॉकेट प्लस जावा करेंगे, जावा प्लस पी एंड यहाँ से आप भाई नीचे से आईपी वगैरह चेंज कर सकते हो। तो मैंने कोई भी आईपी चेंज नहीं किए एंड मैंने भाई सर्वर बना लिया है। तो अभी आपको क्या करना है, अभी आपको जाना है सॉफ्टवेयर वाले बटन पर एंड यहाँ से आपको भाई करना है पेपर स्लैश बकेट। आप स्पाई गॉड भी कर सकते हो बट मैं प्रेफर करूंगा भाई पेपर बकेट को। तो आप इसका भाई लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना 1.20.1, ठीक है ना। एंड इसको भाई एक दो बार डाउनलोड करके आप फिर थ्री डॉट पे क्लिक करोगे तो आपको जाना है भाई ऑप्शंस पे एंड ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पर भाई आपको कर देना है क्रैक्ड क्रॉस होगा, इसको भाई सही के निशान पर क्लिक कर देना है, जिससे कि भाई आपके मतलब जो क्रैक्ड वर्जन से प्लेयर्स खेलते हैं ना, जिसने भी भाई क्रैक्ड माइनक्राफ्ट को डाउनलोड किया है वो भी खेल सकते हैं, मतलब जिसने पैसे देके नहीं किया है भाई वो भी इस सर्वर में खेल सकते हैं। तो अपनी फर्स्ट प्लगइन है, उसका नाम है भाई गीज़र एमसी। गीज़र एमसी से आपका क्या होगा भाई, आपके मतलब बंदे जावा प्लस पीई हो जाएंगे एंड इससे भाई आप मोबाइल प्लेयर्स भी ज्वाइन हो सकते हैं एंड अपने भाई पीसी प्लेयर्स भी ज्वाइन हो सकते हैं। एंड जितने भी भाई प्लगइन्स आप इंस्टॉल करो उन सबको भाई करना भाई लेटेस्ट वर्जन पे ही। तो अभी चलते हैं अपने भाई सेकेंड प्लगइन की ओर। तो सेकेंड प्लगइन है, उसका नाम है भाई आपका ऑथमी रिलोडेड। आप जैसे ही ऑथमी रिलोडेड टाइप करोगे एंड आपको सर्च कर देना है, ये कुछ प्लगइन है आप भाई देख सकते हो इसको। तो हाँ, जो अपनी सेकंड प्लगइन है ऑथमी रिलोडेड, इससे क्या होता है, इससे भाई आपके सर्वर में भाई लॉगिन रजिस्टर का सिक्योरिटी लग जाता है, जिससे कि भाई कोई किसी का आईडी वगैरह हैक नहीं कर सकता एंड किसी की आईडी से भाई माइनक्राफ्ट में प्ले नहीं कर सकता। तो आपको इसको भी भाई लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड कर लेना है एंड इसका भाई आपको एक सेटअप करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं आपको एंड में दिखा दूंगा वीडियो के। तो अपनी जो थर्ड प्लगइन है, उसका नाम है भाई विया वर्जन। एंड आप जैसे ही विया टाइप करके सर्च करोगे, आपको कर लेना है भाई फर्स्ट ऑफ ऑल विया वर्जन। इससे क्या होगा, जैसे आपका सर्वर है भाई 1.18 का एंड आप मतलब आपके मोबाइल में वर्जन है 1.20, तो आप भाई 1.20 से भी खेल सकते हो। एंड विया बैकवर्ड से क्या होता है, ये भाई मैं आपको एक्स्ट्रा प्लगइन दे देता हूँ। तो विया बैकवर्ड से ये होता है, आपका सर्वर है भाई 1.20 का एंड अगर आप भाई 1.16 में भी खेल रहे हो तो भाई आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये होता है, इसका भाई बहुत बड़ा फ़ायदा है। एंड जो अपनी फोर्थ प्लगइन है, उसका नाम है भाई ग्रीफ प्रिवेंशन। इससे क्या होगा, इससे भाई आपका सर्वर में भाई लैंड क्लेम लग जाएगा, जिससे कि आप एक भाई गोल्डन सवल से अपना भाई लैंड क्लेम कर सकते हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा सही है क्योंकि भाई कोई किसी का घर नहीं तोड़ सकता एंड आप भाई किसी के घर में चोरी नहीं कर सकते और भी भाई बहुत कुछ। तो ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद प्लगइन है। तो अपनी आप भाई नेक्स्ट प्लगइन की ओर चलते हैं, प्लगइन नंबर 5। तो प्लगइन नंबर 5 भाई आप टाइप कर सकते हो क्लियर लैग। क्लियर लैग प्लगइन से क्या होता है भाई, आपका मतलब जो भी सर्वर में जैसे ड्यूपिंग चलती है या फिर कुछ आइटम्स जो भाई डले रहते हैं 10 मिनट के लिए, वो भाई ये कुछ ही टाइम में क्लियर कर देता है, जो कि भाई थोड़ा सा सर्वर का लैग कम करता है, आपके मोबाइल का नहीं करता है बट सर्वर का लैग जरूर से कम करता है। एंड इसको भी भाई आप लेटेस्ट वर्जन पे डाउनलोड कर लेना। तो जो अपनी नेक्स्ट भाई 6th प्लगइन है, उसका नाम है भाई अंटी एडी। इस प्लगइन से क्या होता है, जैसे भाई आपके सर्वर में कोई गाली गलौज कर रहा है या फिर कहीं भाई स्पैम वगैरह एंड अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, तो एंटी एड क्या करता है भाई, उसको किक मार देता है सर्वर से, प्लस कुछ टाइम के लिए भाई बैन भी कर देता है। जैसे अगर वो एक बार किक किया एंड अगर नहीं माना तो भाई उसको भाई नेक्स्ट टाइम फिर बैन कर देगा कुछ टाइम के लिए, ये परमानेंट बैन नहीं करता है।
तो ये भाई काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्लगइन है, कोई किसी को भी भाई अब्यूज़ नहीं कर पाएगा। और जो अपनी नेक्स्ट प्लगइन है उसका नाम है भाई शॉपकीपर। शॉपकीपर से क्या होगा भाई, अगर आप शॉपकीपर्स मतलब आपने बहुत सी SMPs में देखा होगा भाई, शॉप लगे होते हैं जिसे आप भाई डायमंड के बदले में कुछ चीज़ें ट्रेड कर सकते हो एंड भाई किसी चीज़ के भी बदले में कुछ चीज़ें ट्रेड कर सकते हो। तो ये भाई उसका होगा, मतलब मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हो आप। तो हाँ, इससे ये काम होता है। अपनी नेक्स्ट 8th प्लगइन है, उसका नाम है भाई इसेंशियल एक्स। एंड इसमें भाई 130 कमांड्स मिल जाती हैं जो कि भाई बहुत ज़्यादा है एंड सर्वर में भाई 4 चांद लगा देती हैं और आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं सर्वर में। तो जो अपनी भाई अभी नेक्स्ट प्लगइन के ऊपर चलते हैं, तो जो अपनी नेक्स्ट प्लगइन है उसका नाम है भाई वर्ल्ड एडिट फॉर बकेट। इससे भाई बहुत सारे काम हो सकते हैं, जैसे कि कॉपी करना किसी चीज़ को, किसी चीज़ को पेस्ट कर देना भाई, बहुत सारे माउंटेन बना देना। एंड भाई इसमें बहुत कुछ है, इसको भाई मैं बता नहीं सकता। एंड इसको सपोर्ट कराने के लिए भी आपको भाई एक प्लगइन और डाउनलोड करना पड़ेगी, उसका नाम है भाई वर्ल्ड गार्ड। अगर आप वर्ल्ड गार्ड करोगे तभी आपका भाई ये प्लगइन वर्क करने वाला है। तो अपनी भाई इस वीडियो की सबसे एंड वाली प्लगइन है, उसका नाम है भाई स्किन रिस्टोरर। सॉरी, ये वर्ल्ड एडिट खोल गया था, तो उसको प्लगइन का नाम है भाई स्किन रिस्टोरर। एंड इस प्लगइन से क्या होगा, आपका भाई कोई भी मतलब जो सर्वर मेंबर है वो भाई कोई भी मतलब इसमें आप स्किन से डाल सकते हो किसी भी यूट्यूबर की, एंड जो भी आपको अपनी स्किन डालना है वो डाल सकते हो। एंड भाई कोई भी मेंबर स्किन ले सकते हैं एंड भाई लगा सकते हैं। और इन सब को हो जाने के बाद आपको कर देना है भाई सर्वर स्टार्ट, ताकि जो भी प्लगइन्स अपन ने ऐड किए हैं वो सारी भाई सेव हो जाएं। अगर आप सर्वर को स्टार्ट नहीं करोगे अभी भाई, वो कोई भी प्लगइन्स ऐड नहीं हुई हैं, जब आप सर्वर को स्टार्ट कर दोगे तब जाकर ये सक्सेसफुली ऐड हो जाएंगी। तो अभी अपन मतलब मैंने सर्वर स्टार्ट कर लिया है, तो अभी अपन भाई कर लेते हैं ऑथमी रिलोडेड का सेटअप, जो कि है भाई लॉगिन रजिस्टर वाली प्लगइन। तो इसका आपको करना पड़ेगा, आपको प्लगइन्स में जाना है एंड ऑथमी पर जाने के बाद आपको जाना है config.byml पर। config.byml के इस फाइल ओपन हो जाएगी एंड इस पर जाना है आपको भाई 196 नंबर पर। तो आप जैसे ही 196 नंबर पर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा भाई टाइम आउट 30। तो इस टाइम आउट को आपको 30 की जगह आपको भाई कर देना है 0। तो यहाँ से 30 को हटा के आपको भाई 0 लगा देना है। और 198 नंबर पे आपको कुछ ऐसा लिखा दिख जाएगा, उसके बाद 9 के बाद जो है ना उसके आगे आपको डॉट लगा देना है एंड डॉट के बाद आपको भाई इसको एक या फिर 2-3 बार सेव कर देना है, ताकि ये सक्सेसफुली सेव हो जाए। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, आपको भाई सर्वर को कर देना है रीस्टार्ट। एंड रीस्टार्ट करके भाई आप इसका IP लेकर भाई प्ले वगैरह कर सकते हो, ये भाई सक्सेसफुली वर्क करेगा। क्या ये आज के इस वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप क्या करो, आप भाई वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद भाई बेल नोटिफिकेशन जरूर जा करके ऑन कर देना। एंड अगर आपको भाई अभी भी कोई चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप भाई मेरे से डिस्कॉर्ड या फिर इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड इस वीडियो भाई मैं एम करता हूँ 150 लाइक्स का, तो 150 लाइक्स करा दो इसका भाई, मैं पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड कर दूँगा। चलो बाय।